जय बाबा की। आप सबको प्रणाम। कुंडलिनी जागरण पर चर्चा करते हैं। कुंडलिनी जागरण दो तरीके से होता है, एक शक्तिपात से और एक ध्यान प्रक्रिया से। अगर पहले चर्चा करते हैं कि कुंडलिनी जागरण, अगर आप किसी से शक्तिपात कराते हैं, कुछ डोनेशन देके या कुछ भी करके आप किसी से भी शक्तिपात करा के कुंडलिनी जागरण कराएंगे, तो वो ज़्यादा दिन तक रुकेगी नहीं। कुंडलिनी सिस्टम का साइंटिफिक तरीके से आप समझे पहले, कुंडलिनी कैसे हमारे शरीर के भीतर है। हमारा जो मूलाधार चक्र है उसमें बिल्कुल नीचे एक पिंडी है, और उस पिंडी के चारों तरफ एक सांप की भांति एक नस लिपटी हुई है, जिसको सर्प भी बोला जाता है, और वो ढाई राउंड में लिपटी हुई है। तो होता क्या है कि जब हम किसी से शक्तिपात कराते हैं और शक्तिपात करा के हम कुंडलिनी एक्टिव करा लेते हैं, तो जो सर्प का मुंह है वो पहले नीचे रहता है, और शक्तिपात कराने से वो सर्प का मुंह बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। और जब सर्प का मुंह ऊपर उठता है तो उसके ठीक ऊपर सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो कुंडलिनी की सारी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो जाती है, और सुषुम्ना नाड़ी से ही हमारे आध्यात्मिक सफ़र शुरू होते हैं। मूलाधार की जब शक्ति, हमारी कुंडलिनी की शक्ति मूलाधार से होते हुए स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र से होते हुए सहस्त्रार्थ में जाती है, तो हमें सातों चक्कर के अनुभव होते हैं। हमारे सात सेंटर पॉइंट हैं, एनर्जी पॉइंट हैं, तो उनकी जितनी भी शक्ति होती है वो हमें अनुभव होती है, उनमें आवागमन में हमें पूर्णता आज़ादी मिल जाती है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब शक्तिपात से जो कुंडलिनी जागरण कराई जाती है ना, तो ज़्यादा दिनों तक एनर्जी वहाँ टिकेगी नहीं, क्योंकि वो एक छोटी एनर्जी दी जाती है और वो ज़्यादा समय तक रुकेगी नहीं, और वो जो सांप है वो धीरे 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 ऐसे नीचे डाउन मार जाएगा। तो नीचे डाउन मारने से वो सुषुम्ना नाड़ी से कट हो जाएगा, पहले तो ये ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे डाउन मार जाएगा और सुषुम्ना नाड़ी वैसे ही डीएक्टिव हो जाएगी आपकी। लेकिन जब कोई इंसान ध्यान करता है, लंबे समय तक ध्यान करता है, और सहज योग, अष्टांग योग, बहुत सारी योग की प्रक्रियाएं हैं, हजारों प्रक्रियाएं हैं, तो ध्यान और सहज योग से जब आदमी निरंतर इस रास्ते पर रहता है, तो उसकी कुंडलिनी खुद से ही एक्टिव होने शुरू हो जाती है। परंतु गुरु की शरण में रह के कुंडलिनी जागरण कराना हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि कुंडलिनी में बहुत हायर लेवल की एनर्जी होती है, जो आपको कॉस्मिक एनर्जी का फुल फ्लो देती है। तो कॉस्मिक एनर्जी का फुल फ्लो आने के बाद आप ब्रह्मांड में कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो जब आप धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास करेंगे, ध्यान की गहराइयों में जाएंगे, तो आपके शरीर में नेचुरली कॉस्मिक एनर्जी आएगी, और कॉस्मिक एनर्जी आने से आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है। तो कुंडलिनी में क्या है कि वो ना ऐसे नीचे की तरफ लिफ्ट, नीचे की तरफ सांप का मुंह रहता है, तो जब आप ध्यान करेंगे तो वो धीरे धीरे उसमें एनर्जी आएगी और वो ऐसे खड़ी हो जाएगी। जो कुंडलिनी शक्ति है, सर्प है, वो ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ध्यान करोगे ना, तो इसके चारों तरफ धीरे धीरे मांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। जो मांस चढ़ता है, जैसे हमारे शरीर का मान लो कोई अंग कट जाता है, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो कुछ दिनों में अपने आप जोड़ देती हैं उसको। और ऐसे ही जब आप ध्यान करोगे ना, डेली ध्यान करोगे, तो ध्यान की एनर्जी से आपकी कुंडलिनी का मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा, और वो ना धीरे धीरे ऊपर होता है। एक दिन में नहीं होता, एक महीने में भी नहीं होता, उसको टाइम लगता है। तो जब आप ध्यान के गहराइयों में जाओगे तो उसका मुंह धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और जितना मुंह उसका ऊपर उठेगा, तो शरीर में जो खाली जगह रहेगी ना, वो कुंडलिनी के चारों तरफ जो खाली जगह रहेगी वो ऑटोमेटिक फिलअप होती चली जाएगी, आपकी कोशिकाएं उसको फील कर देंगे। तो लंबे समय तक ध्यान के अनुभव में जो कुंडलिनी जागृत होएगी, तो आपके द्वारा खुद से जो जागृत होएगी, तो वो फिलअप हो जाएगी। फिलअप होने के बाद क्या है, वो दोबारा से नीचे नहीं आएगी, उसका मुंह दोबारा कभी नीचे नहीं रहेगा, और वो पूरी तरह बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जब कुंडलिनी की, मान लो ये कुंडलिनी है नीचे वाली, और कुंडलिनी की जो शक्ति है अब वो नस आपके ऊपर हो गई, तो उसके ठीक ऊपर हमारी रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो कुंडलिनी की शक्ति को जब सुषुम्ना नाड़ी में जब वो मिल जाती है, तो मिलने के बाद आपकी एनर्जी का फ्लो ऊपर हो गया, और फ्लो ऊपर होने के बाद आप अपने मूलाधार में एक्टिव हो सकते हैं, स्वाधिष्ठान में एक्टिव हो सकते हैं, मणिपुर में, अनाद में,
हर चक्कर की अपनी अलग अहमियत होती है। मूलाधार की शक्ति कुछ है, स्वादिष्ठान की शक्ति कुछ है, मणिपुर की शक्ति कुछ है, अनाद की शक्ति कुछ है, आज्ञा की शक्ति अगर आपकी खुल जाती है तो आपका त्रिनेत्र खुल जाता है, और कंठ की शक्ति खुलती है तो आपकी वाणी सत्य हो जाती है। उसी तरह आप ब्रह्मरंध्र से होते हुए शास्त्रार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। तो मेरा कहना यही रहेगा कि अगर आपको कुंडलिनी जागरण करनी है तो आप किसी गुरु की शरण में रह के करें। हमारे सतगुरु विनोद कौशिक मंगलवार से शनिवार तक निःशुल्क, किसी की कोई फीस नहीं होती, कोई दान, कोई चंदा, कोई छुपी, कोई शर्त नहीं है। निःशुल्क मंगलवार से शनिवार तक डेली क्लास होती है, 6:30 से 8 बजे तक की क्लास होती है। उसमें पहले 1.25 घंटा आपको ध्यान के चक्रों के बारे में, त्रिनेत्र के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, हमारी 9 इंद्रियां हैं, 5 भूत हैं, 5 तत्वों से ये जो शरीर बना है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले बताया जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद हमारे गुरु द्वारा सिद्ध की हुई, एक हमारे गुरु ने खुद से ही एक ध्यान क्रिया को सिद्ध किया हुआ है, जिससे हमारी 72,000 नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं, 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं, हमारा त्रिनेत्र एक्टिव हो जाता है, कुंडलिनी एक्टिव हो जाती है, और उसका कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और अपनी कुंडलिनी को खुद से एक्टिव करें और आध्यात्मिक सफ़र का आनंद लें। आपके मंगल की हम कामना करते हैं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम, जय बाबा की।